सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेस्कटॉप का बैकअप कैसे ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी बहुत सारा डेटा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, और जो डेस्कटॉप होता है वो कंप्यूटर के सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट होता है, और सी ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी विंडो होती है। जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या किसी वजह से विंडो करप्ट हो जाती है तो हमारे डेस्कटॉप का सारा डेटा चला जाता है। अगर हमने पहले से ही डेस्कटॉप का बैकअप ले रखा है तो हमारे डेस्कटॉप का डेटा वापस मिल जाएगा। तो चलिए डेस्कटॉप का बैकअप लेना सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। अभी मैं किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करता हूं, तो यहां फाइल एंड फोल्डर की लोकेशन शो हो जाती है। ये देखिए, इस फाइल की लोकेशन यहां आ गई है। ये जो फाइल है सी ड्राइव में यूजर फोल्डर में जिस नाम से यूजर बना है उस नाम के फोल्डर में डेस्कटॉप पर सेव है। डेस्कटॉप का बैकअप लेने के लिए किसी भी ड्राइव को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ई ड्राइव को ओपन कर लिया है। अब यहाँ राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसे रीनेम कर देंगे। मैं इसे कर देता हूँ डेस्कटॉप बैकअप। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाएंगे। अब जाना है यूजर फोल्डर में। अब यहाँ आपको अपने यूजर नेम के फोल्डर पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर हैं, तो आपको जिस यूजर के डेस्कटॉप का बैकअप लेना है उसी नाम के फोल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ मेरा यूजर नेम सैनी है, चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको डेस्कटॉप नाम का फोल्डर मिल जाएगा, इस पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ से इसे कट करेंगे। कट करके वापस उसी ड्राइव में आ जाएंगे जिसमें हमने डेस्कटॉप बैकअप नाम से न्यू फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमारा डेस्कटॉप सी ड्राइव से ई ड्राइव में मूव होने लगा है। ये देखिए, मूव हो गया है। अब डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। अब किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। ये देखिए, अब लोकेशन चेंज हो गई है, पहले सी ड्राइव थी अब ई ड्राइव हो गई है। अब अगर हमारी विंडो करप्ट होती भी है तो हमारा डेस्कटॉप का डेटा सेफ रहेगा। इन फ्यूचर डेस्कटॉप बैकअप को रिस्टोर करना हो तो डेस्कटॉप फोल्डर को कट करके सी ड्राइव में यूजर फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देंगे, और फिर डेस्कटॉप फोल्डर को कट करके वापस उसी डेस्कटॉप बैकअप फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप का सारा डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।